आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में, जहां हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली समस्याएं और उनके समाधान। खतरनाक यौन संक्रमण बीमारी है गोनोरिया, कैसे प्रेगनेंसी और शिशु पर डालती है असर, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट में पल रहे बच्चे को सुरक्षित रखने के साथ खुद के स्वास्थ्य को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से गुजर रही होती है और प्रेग्नेंट हो जाए या प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी के संपर्क में आ जाए। प्रेगनेंसी के दौरान गोनोरिया जैसी यौन बीमारी आपके लिए प्रेगनेंसी में दिक्कतें बढ़ा सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं को ये दिक्कतें आती हैं, उन्हें गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। कैसे फैलता है ये संक्रमण? असुरक्षित यौन संबंधों के जरिए फैलता है। असुरक्षित यौनिक इस संक्रमण के फैलने का मुख्य कारण होते हैं। इसके साथ ही संक्रमित महिला से यह रोग उसके होने वाले शिशु तक पहुँच सकते हैं। इस बैक्टीरिया को विकसित होने में आमतौर पर 2 से 10 दिन का समय लग जाता है। गोनोरिया काफी जल्दी फैलता है, तो यदि आप किसी संक्रमित साथी के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको इससे प्रभावित होने की आशंका काफी अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं को गोनोरिया हो जाता है, उन्हें गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही एमनियोटिक थैली और फ्लूइड में संक्रमण हो जाता है, साथ ही बच्चे का जन्म समय से पहले भी हो सकता है। यदि गोनोरिया संक्रमण का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो इसे HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कुछ अन्य यौन संचारित संक्रमण भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे का जन्म होने के बाद भी आपको गर्भाशय संक्रमण हो सकता है। बच्चे की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। अगर प्रेगनेंसी या लेबर के दौरान कोई महिला गोनोरिया की समस्या से जूझ रही है तो बच्चे के जन्म के साथ ही आंखों का इलाज करवाना चाहिए। इसे भविष्य में होने वाले संक्रमण और अन्य रोगों से बचाया जा सकता है। गोनोरिया के लक्षण। कुछ महिलाओं के लिए लक्षण बिल्कुल नजर नहीं आते, इसलिए बिना जांच के इस संक्रमण का पता चल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार संक्रमण के आधार पर इसके लक्षण नजर आते हैं। असामान्य योनि स्त्राव, मूत्र त्यागते समय दर्द और जलन, संभोग के समय दर्द होना इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ ही गुदा में खुजली और मल त्यागते समय दर्द होना भी गोनोरिया का इशारा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।